गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पशु जनगणना 2020, बिल्कुल जो लेटेस्ट आंकड़ों के साथ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले पशु जनगणना कब हुई थी। जो भारत में सबसे पहले पशु जनगणना हुई थी वो हुई थी 1919, ये हुई थी भारत में। अब बात आती है हरियाणा की कि हरियाणा में पशु जनगणना कब हुई थी पहले। तो हरियाणा में हुई थी 1969 में, 1969 में हरियाणा में हुई थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं भैंस के बारे में। तो भारत की मेनली हरियाणा की जो प्रमुख भैंस है वो कौन सी है, वो भैंस है मुर्रा नस्ल की भैंस। कौन सी है? मुर्रा नस्ल की भैंस। और इस मुर्रा नस्ल की भैंस का जो उद्गम क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है माउंट गोमरी, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है। और इस मुर्रा नस्ल की भैंस के कई और नाम भी हैं, जिससे हम एशियन ट्रैक्टर तथा काला सोना, एशियन ट्रैक्टर और काला सोना भाई हम इसने बोला है मुर्रा नस्ल की भैंस ने। तो उसके बाद आता है कि पशु जनगणना कितने साल में होती है, कौन इसको करवाता है। जो पशु जनगणना होती है वो 5 साल में होती है एक बार भाई, 5 साल में एक होती है। और इसको करवाता है पशु डेयरी मंत्रालय इसको करवाता है। पशु जनगणना को 5 साल में एक बार होती है, और आदमियों की जनगणना हो गया भाई 10 साल में एक बार, ठीक है। पिछली बार पशु जनगणना कब हुई थी, यानी कि लास्ट टाइम, वो हुई थी 2019 में हुई थी पशु जनगणना लास्ट टाइम। उसके बाद आता है, तो हरियाणा की प्रमुख भैंस लगा ले भारत की। अब पाकिस्तान की प्रमुख भैंस कौन सी हैं? जो पाकिस्तान की प्रमुख भैंस है वो है नीली रावी। सिर्फ इतना याद रखना, नीली रावी पाकिस्तान की प्रमुख भैंस है। और अब बात आती है गाय की, थोड़ा गाय के बारे में भी देख लेते हैं, भैंस के बारे में देख लिया हमें थोड़ा। गाय की बात जब आती है तो गाय में आती है प्रमुख नस्लें हमारी साहीवाल आ गई, एक तो शाहीवाल आ गई हमारी। और जो हमारी दूसरी नस्ल आती है गाय में, वो आती है हमारी भार पारकर, याद रखना भाई इसको। ये हमारे गाय की प्रमुख नस्ल में आती है, ये नस्ल है दोनों, साहीवाल और भार पारकर। और आपसे अगर कोई पूछे दो काजी गाय कहाँ पाई जाती है, ये नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी रोहतक में। दो काजी गाय पाई जाती है रोहतक में। उसके बाद आता है लाला लाजपत राय, जो पशु विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय वो है हमारा हिसार में। कई चीज़ें हैं एक जगह पे, हम उनको साथ में ही लिख देते हैं। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय जो है वो हमारा हिसार में है। मैं एक बार इसको साफ़ कर देता हूँ, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उसको उतार लो। मैं इसको साफ़ करता हूँ। हिसार में क्या है, कई चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में आपके पशु से संबंधित, अगर आपको उसका आंसर पता है तो ठीक है, उसके हिसाब से लगाइए। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो हिसार लगा देना। क्या लगा देना है? हिसार उसका आंसर लगा देना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पशुओं से रिलेटेड वो हिसार में ही हैं। तो लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय के बाद आता है सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा पशु जो मैं लिखूँगा इन सारों का आंसर हिसार ही होगा। क्या होगा? हिसार। सबसे ज़्यादा पशु हैं हमारे हिसार में। उसके बाद जो पशु बांझ मुक्त कार्यक्रम कब चला था, चलो इससे पहले और देख लो क्या है हिसार में। उसके बाद है जैसे पशु टीकाकरण वो कहाँ से शुरू हुआ, वो भी हिसार से शुरू हुआ पशु टीकाकरण। उसके बाद पशु चिकित्सा ये हमारा हो गया प्रशिक्षण संस्थान, याद रखना इसको, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, ये भी हमारा कहाँ पर है, हिसार में। मैं सारों को एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद रह जाए, ठीक है भाई। उसके बाद बीज चारा संस्थान को भी याद रखना आप,
बीज चारा संस्थान ये भी अपना कहाँ पर है? हिसार में। बीज चारा संस्थान ये भी अपना हिसार में है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? हिसार में। उसके बाद केंद्रीय भैंस अनुसंधान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान ये कहाँ पर है अपना? ये भी अपना हिसार में है। कई चीज़ें हैं हिसार में, मैंने सारी की सारी इसी एक जगह लिख दी, इसीलिए बोल रहा था कि इनका आंसर हिसार ही लगाना है एग्जाम में, अगर आपको आंसर ना पता हो पशु से रिलेटेड। और इसकी स्थापना कब हुई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में हुई थी। उसके बाद केंद्रीय, इसके बाद आएगा अपना केंद्रीय केंद्रीय असो अनुसंधान, असो असो होता है घोड़ा, केंद्रीय असो अनुसंधान ये कहाँ पर अपना? इसकी स्थापना पहले तो देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, यानी कि भैंस के बाद घोड़ों का नंबर, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1986 में, भैंस की 1985 में, असो की 1986 में। इसकी भी स्थापना कहाँ पर हुई थी? हिसार में। सारी चीज़ें हिसार में ही हैं जो मैंने यहाँ पर सारी लिखी हैं। उसके बाद मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ बोर्ड को। भैंस से संबंधित मोस्टली आंसर हिसार में ही मिलेंगे हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हरियाणा पशु विकास बोर्ड, हरियाणा पशु विकास बोर्ड इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना ये हुई थी सन 2000 में। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी हमारी पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला। बहुत अच्छा शहर है हरियाणा का, बहुत ही अच्छा शहर है, साफ सुथरा बिल्कुल। और जो ये हरियाणा पशु विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना जब की गई थी तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? याद रखना, सोमवीर सांगवान, सोमवीर सांगवान को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कौन थे सोमवीर सांगवान? ये दादरी से विधायक थे, दादरी के विधायक थे, एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और ये इनके बारे में याद रखना, ये निर्दलीय विधायक थे, यानी कि किसी भी दल से इसका संबंध नहीं था। उसके बाद आती है बात पशुओं का मेला, पशुओं का मेला जो प्रसिद्ध है, हम सिर्फ वो कर रहे हैं इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। पशुओं का मेला ये लगता है जहाजगढ़, जहाजगढ़ कहाँ पर है? जहाजगढ़ ये है हमारा हांसी में, हांसी हिसार, सुना होगा आप लोगों ने। जहाजगढ़ का मेला लगता है हांसी में। और ये जो हांसी शहर था, याद रखना, जो ये जगह थी ये बसाई थी जॉर्ज थॉमस ने। पेपर में आया है एक दो बार कि हांसी को किसने बसाया था? जॉर्ज थॉमस ने हांसी को बसाया था, ठीक है भाई। उसके बाद एक इस साइड में करेंगे हम थोड़ा, जो भारत का, हरियाणा का नहीं, भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? वो लगता है सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सोनपुर में। और जो एक बात और है इससे संबंधित, जो जहाजगढ़ है, जहाजगढ़ सबसे बड़ा पशु मेला भारत का कहाँ लगता है? सोनपुर में। और पशुओं का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? जहाजगढ़ में। तो इसीलिए हरियाणा का सोनपुर कहा जाता है जहाजगढ़ को, हरियाणा का सोनपुर किसे कहा जाता है? जहाजगढ़ को, हरियाणा का सोनपुर कहा जाता है जहाजगढ़ को। अब इसके बाद कौन से शहर में कितने पशु हैं, उनसे संबंधित थोड़ा हम डाटा यहाँ पर लिखेंगे। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, मेन मेन है जो इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा डीपली करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम करते हैं
सर्वाधिक पशु हम पढ़ चुके हैं, सर्वाधिक सबसे ज्यादा पशु वो कहाँ पर है? सर्वाधिक पशु है हमारे हिसार में। कहाँ पर है सर्वाधिक पशु हमारे? हिसार में। और सबसे ज़्यादा तो हो गए, अब सबसे कम कहाँ है? सबसे कम पशु है हमारे पंचकुला में, क्योंकि चंडीगढ़ से लगता है, साफ सुथरा एरिया है, ठीक है, तो अपना शहरीकरण ज़्यादा है वहाँ पर, तो सबसे कम पशु है। उसके बाद भैंस, सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पे हैं वो लिखेंगे हम। यहाँ लिख देते हैं पशु और यहाँ लिख देते हैं हम जिला। अब यहाँ देखना, इस साइड हो गया पशु और इस साइड हो गया हमारा जिला। भैंस कहाँ पर है? भैंस भैंस हो गई हमारी हिसार में, सबसे ज़्यादा भैंस है हिसार में, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है भाई ये, नोट कर लेना इसको। छोटा, छोटा तो आप समझते हो, छोटा बुग्गे में जोड़ते हैं इसको, छोटे सबसे ज़्यादा हमारे जींद में, वाह जी वाह। उसके बाद हमारा बकरी और ऊंट, साथ साथ नोट करते रहना, बकरी और ऊंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डाटा है सारा। बकरी और ऊंट ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये है हमारे सिरसा में। सिरसा में बकरी और ऊंट हमारे कहाँ पर है? सिरसा में। कुत्ता या कुत्ते, सबसे ज़्यादा कुत्ते हमारे कहाँ पर है? गुरुग्राम में। सबसे ज़्यादा कुत्ते हमारे हो गए गुरुग्राम में, कहने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई नहीं। उसके बाद बिल्ली और खरगोश, बिल्ली और खरगोश, सबसे ज़्यादा बिल्ली और खरगोश हमारी कहाँ पर है? ये हमारी नूह में, दोनों ये हमारे नूह में है। खच्चर, खच्चर है हमारे सबसे ज़्यादा झज्जर में, झज्जर में खच्चर, झज्जर झज्जर खच्चर, खच्चर झज्जर। उसके बाद गधे हैं पलवल में, गधे हैं पलवल में, ये बात भाई पशुओं की हो रही है, कोई भाई बुरा मत मान जाना, गधे हैं पलवल में। हाथी, एलिफेंट, सबसे ज़्यादा हाथी है वो हमारे यमुनानगर में, YNR, यमुनानगर। उसके बाद लास्ट है सबसे ज़्यादा सुअर कहाँ पर है? सुअर, सुअर सबसे ज़्यादा है सोनीपत में, सबसे ज़्यादा सुअर है सोनीपत में। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा था जो मैंने वेबसाइट से निकाला था हरियाणा सरकार की, और आप सारे नोट कर लेना इनको या स्क्रीन शॉट लेना जैसे ही आपको अच्छा लगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।